हमीरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू, शुरुआती रुझान में हमीरपुर से बीजेपी आगे। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद की पत्नी का वीडियो वायरल, पिटाई और प्रताड़ना का लगाया आरोप। बाबूराम निषाद ने भी हमीरपुर की परिवार अदालत में पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, मीडिया से बात करने से किया इनकार। केराना सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। वाराणसी में गंगा के सभी 84 पक्के घाट पानी में डूबे, नाव की सवारी हुई बंद, टूरिस्ट मायूस। प्रयागराज में उतरने लगा है बाढ़ का पानी, गंदगी और जलभराव से बीमारियों के फैलने का खतरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ खान पर रेप का आरोप, तलाकशुदा पत्नी ने दर्ज कराई है शिकायत। व्हाट्सएप पर 3 तलाक देने के बाद टूट गया था दोनों का रिश्ता, पत्नी का आरोप, हथियार दिखाकर की दरिंदगी। जौनपुर में 18,000 का चलान आने के बाद सदमे में चला गया ऑटो ड्राइवर, इलाज के दौरान हुई मौत। मुरादाबाद में पुलिस कर रही है ठग बाप बेटे की तलाश, पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लगाते हैं चूना।